वहीं झांसी में युवक का सरेआम फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। युवक बेखौफ होकर सरेआम कर रहा है फायरिंग। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जांच जुटी है पुलिस। झांसी के समथर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए इस वीडियो में झांसी में युवक का सरेआम फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। युवक बेखौफ होकर सरेआम फायरिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ होकर ये युवक फायरिंग कर रहा है। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के साथ इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झांसी के समथर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है और युवक की बेबाकी आपके सामने है। फायरिंग का ये वीडियो आपके सामने है। झांसी में युवक का सरेआम ये वीडियो वायरल हुआ जब युवक बेखौफ और होकर सरेआम फायरिंग कर रहा है। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जुट गई है और इसकी छानबीन जारी कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन है और इसके हाथ में ये बंदूक कहां से आई। साथ ही साथ इस शख्स की छानबीन अभी फिलहाल पुलिस कर रही है, पकड़ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। मौके से 3 जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आप देख सकते हैं। पीला पंजा वहां दिख रहा है जो बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने जेसीबी की मदद से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर जन्मदिन मनाने का यह वीडियो आपके सामने वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर कार पर केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बेखौफ युवकों की आतिशबाजी कर खुलेआम काटा बवाल। वायरल वीडियो में दिख रहे हैं 5 से ज्यादा युवक। वीडियो वायरल होने के बाद जांच जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बीच चौराहे पर हम आपको कहें एलिवेटेड रोड है, आप कीजिएगा एलिवेटेड रोड पर किस तरीके से आतिशबाजी होती है और बीच रोड पर बर्थडे मनाने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 6 से 7 लोग आपको दिख रहे होंगे। ये सारे लोग उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं बीच रोड पर। युवकों का बवाल सबके सामने है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये लोग कौन हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगली खबर अमरोहा से है जहां पर स्टंटबाज दूल्हा और उसके साथियों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने ऑडी कार सहित 3 स्कॉर्पियो को भी गिरफ्तार जब्त कर लिया है। कार की छत पर स्टंट करने वाले 3 युवक गिरफ्तार हो गए हैं। सैद नगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव का यह मामला है। तो ऑडी सहित 3 स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर दूल्हा ऑडी के सनरूफ पर बैठकर उत्पात मचाता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की और अब दूल्हे राजा को और साथ ही उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ 1 ऑडी और 3 स्कॉर्पियो जब्त कर लिए गए हैं। वहीं जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोहराम मचा हुआ है परिवार वालों के बीच। 2 ट्रकों के बीच टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में ट्रक के उड़े पड़कच्चे, ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई दोनों की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को निकाला बाहर और कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ही मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में, या फिर हम कहें कि परखच्चे उड़ गए हैं ट्रक की और ये ट्रकों के बीच टक्कर हुई। उसके बाद ड्राइवर और साथ ही साथ कंडक्टर दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। बेबाक डंपर बेकाबू डंपर ने
बाइक सवार को कुचला और हादसे में बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने डंपर चालक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका चौकी के सामने की घटना है। दर्दनाक हादसा आपके सामने है जहां पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है अस्पताल। उन्नाव से तस्वीरें हैं जहां एक दर्दनाक हादसा होता है और एक महिला की मौत हो जाती है। गाजीपुर में अंसारी बंधुओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मोहम्मदाबाद के होटल मिड टाउन में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जीएसटी, खाद आपूर्ति और श्रम विभाग का छापा है और छापेमारी में पुलिस की कई कागजातों को किया जब्त। तो अंसारी बंधुओं के खिलाफ एक्शन, प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने कई कागजातों को किया खंगाला और फिर उसे जब्त कर लिया। अंसारी बंधुओं के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे एक्ट आएगी। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कानून के जबरन ना थोपा जाए और एक समान कानून लागू होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संकीर्ण राजनीति के स्वार्थ के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ा बयान आ रहा है मायावती की तरफ से जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय वह सर्वधर्म सुखाए की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए। और अगली खबर रामपुर से है जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 साल के नशेड़ी लड़के ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी शराब और स्मैक के नशे का आदी है। शुरुआती जांच में पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पूरी घटना को कबूल कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। 6 साल का बच्चा LKG में पढ़ता था और इसी साल स्कूल जाना शुरू किया था। रामपुर की वारदात हम आपको बता रहे हैं, रामपुर की वारदात के बारे में बता रहे हैं जहां 12 साल के एक नाबालिग ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बच्चा अभी स्कूल जाना उसने शुरू ही किया था, LKG क्लास में पढ़ता था, जिसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधी नशे में रहता था और शराब और स्मैक का आदी था। उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही, जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम योग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानी पर सबको बरामद किया
और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर उसके कपड़े बरामद किए, आला कतर बरामद किया और जो अपचारी है इसे गिरफ्तार कर लिया। ये अपचारी शराब पीने का आदि है और स्मैक वगैरह पीता है, इसकी उम्र कम है लेकिन इस तरह के व्यसन में पड़ गया है। तो बच्चा है योग यादव, इसके पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों पर चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। गिरफ्तार युवकों पर एक हरियाणा और तीन देवबंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अंबाला ढाबे से चारों युवकों को गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को हुआ था हमला, तो आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था जिसमें उन्हें गोली छूकर निकल गई थी और अब उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।